हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डियर टेक्निकल। आज का वीडियो उन सभी लोगों के लिए यूजफुल होने वाला है दिल्ली मेट्रो में सफ़र करते हैं या दिल्ली मेट्रो में सफ़र करने वाले हैं, क्योंकि दिल्ली मेट्रो में सफ़र करने के लिए बहुत सारे लोगों के मन में ये कन्फ्यूज़न होता है कि मुझे जिस जगह जाना है उस जगह पे कौन सी मेट्रो जाती है मुझे पता ही नहीं है, उस जगह का मेट्रो लाइन कौन सा है मुझे पता नहीं है, उस जगह का मेट्रो का किराया कितना है, मेट्रो का फेयर कितना है वो पता नहीं है। और आप किसी से पूछने लगते हैं कि मुझे इस जगह जाना है कैसे जाऊं, तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मेट्रो में सफ़र करते हैं या करने वाले हैं तो आपके मोबाइल में यह एप्लीकेशन होना चाहिए जो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। और साथ में मैं बताऊंगा कि इस एप्लीकेशन को यूज़ करके बिना किसी से पूछे आप फर्स्ट टाइम भी मेट्रो में कैसे सफ़र कर सकते हैं। उसके बाद मैं बताऊंगा कि मेट्रो टोकन से या मेट्रो के स्मार्ट कार्ड से सफ़र करके क्या क्या फ़ायदा और क्या क्या कठिनाइयों से बच सकते हैं, दोनों में बेस्ट कौन है और किससे सफ़र करना चाहिए और क्या हमको अपनाना चाहिए सफ़र करने के लिए, मेट्रो का टोकन या मेट्रो का स्मार्ट कार्ड। अगर मेट्रो का स्मार्ट कार्ड अपनाना चाहिए तो क्यों यूज़फुल है और टोकन क्यों यूज़फुल नहीं है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सीख लेते हैं। चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर, सबसे पहले इस एप्लीकेशन के बारे में जानेंगे, उसके बाद से मेट्रो कार्ड और टोकन के बारे में जानेंगे। दिल्ली मेट्रो में सफ़र करने के लिए आपको ये वाला एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है, देन उसके बाद ओपन करना है। एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। हम एक एक करके सभी ऑप्शनों को समझते हैं। सबसे पहला ऑप्शन जो है फेयर का, हम फेयर चेक करेंगे यानी कि भाड़ा या किराया चेक करेंगे कि वहाँ से वहाँ तक जाने में कितना भाड़ा लगेगा। इस पर क्लिक करेंगे और देखेंगे हमारा यहाँ पे कहाँ से कहाँ जाना है वो पहले लिखेंगे। हम मान लेते हैं कि हमें नई दिल्ली से आनंद विहार जाना है, जो हमने यहाँ पे सर्च कर लिया है। सर्च करने के बाद आप नीचे ऑटोमेटिक देख सकते हैं आ जाएगा कि टोकन का जो फेयर है यानी कि टोकन से जब सफ़र करेंगे तो हमें 40 रुपया देना होगा। स्मार्ट कार्ड से अगर सफ़र कर रहे हैं तो इसका 10% डिस्काउंट करके मिलता है यानी कि हमें 36 रुपये देना होगा। स्मार्ट कार्ड से ही आप सफ़र कर रहे हैं लेकिन इन टाइम के दौरान है, जैसे कि यहाँ पे थोड़ी सी ध्यान से समझना, यहाँ पे लिखा हुआ है इंटर बिफोर 8 बजे AM यानी कि 8 बजे सुबह से पहले अगर आप मेट्रो में एंट्री करते हैं तो आपको 36 की जगह 32 रुपया ही लगेगा। उसके बाद 8 बजे से लेकर के 11:59 तक एंट्री करते हैं तो आपको 36 रुपया ही पे करना पड़ेगा। फिर उसके बाद 12:00 PM से लेकर के 5:00 PM के बीच में मेट्रो में एंट्री करते हैं अपने स्मार्ट कार्ड द्वारा तो आपको 32 रुपया पे करना पड़ेगा। उसके बाद 9 बजे रात के बाद अगर एंट्री करते हैं तो फिर आपको 36 रुपया देना होगा। कुछ इस तरह से इसका फेयर समरी दिख जाता है। उसके बाद हम बैक आएंगे और दूसरे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद है मैप का ऑप्शन, यहाँ पे आपको मेट्रो का सारा मैप दिखाया जाएगा, मेट्रो कहाँ से कहाँ तक चलती है, तो सबका एंड और बीच का स्टेशन आप इस मैप के द्वारा समझ सकते हैं। उसके बाद कितनी लाइनें हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे रेड लाइन, येलो लाइन, ब्लू लाइन, ऑरेंज लाइन, ग्रीन लाइन, वायलेट लाइन, वेजेंटा लाइन, पिंक लाइन, इक्का लाइन और ग्रे लाइन, यहाँ पे सभी लाइनें आपको शो हो जाएंगी और सभी लाइनें इसी मेट्रो में चलती हैं। उसके बाद हम बैक आएंगे और दूसरे ऑप्शन को समझते हैं। अगर हम रूट को ओपन करते हैं तो यहाँ पे हमारा कहाँ से कहाँ जाना है वो सर्च कर सकते हैं। उसके बाद वो रूट बताएगा कहाँ हमें मेट्रो चेंज करना है, कहाँ पे नहीं करना है, साथ ही साथ यहाँ पे फेयर भी बता देता है। तो हमें शो रूट पे क्लिक करना है, हमें दिल्ली से आनंद विहार जाना है, शो रूट पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं न्यू दिल्ली टू आनंद विहार जो फेयर है अपना 40 रुपया लगेगा, लेकिन यहाँ पे आपका सिर्फ यहाँ पे टोकन फेयर ही शो होता है। न्यू दिल्ली से आनंद विहार जाने में आपका 34 मिनट का टाइम लगेगा। इंटरमीडिएट जो स्टेशन होंगी 12 होंगी, यानी कि दिल्ली से आनंद विहार जाने में बीच में जो स्टेशन पड़ेंगे वो 12 स्टेशनें होंगे, यानी कि दिल्ली भी इसमें काउंट होगा और आनंद विहार भी इसमें काउंट होगा, 1 से लेकर 12 तक स्टेशन होगा। लाइन जो चेंज करना पड़ेगा आपको एक बार करना पड़ेगा, कहाँ चेंज करना है ये नीचे आपको दिख जाएगा। जैसे न्यू दिल्ली में हम चढ़ेंगे पहला नंबर स्टेशन से तो हमें नेक्स्ट यानी कि उसके जस्ट अगला स्टेशन पे चेंज करना होगा जो कि राजीव चौक है। राजीव चौक से हमें ब्लू लाइन में एंट्री करना है, यहाँ से हमें कहीं चेंज नहीं करना है, सीधा ये आनंद विहार लेके चली जाएगी।
तो इस तरीके से आप बिना किसी से पूछे आप इसका फेयर भी देख सकते हैं, कितना टाइम लगेगा ये भी समझ सकते हैं, नई दिल्ली से लेकर के आनंद विहार के बीच में कितना स्टेशन है ये भी देख सकते हैं, और ख़ास इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको कितनी जगह चेंज करना है ये भी देख सकते हैं। तो आप नई दिल्ली में अगर एंट्री करते हैं तो आपको राजीव चौक उतरना है, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप आनंद विहार आसानी से पहुँच जाएँगे। अब बैक जा करके दूसरे पॉइंट को समझ लेते हैं। यहाँ क्लिक करके आप फर्स्ट और लास्ट मेट्रो देख सकते हैं। अगर आपके पास मेट्रो कार्ड है तो आप यहाँ से रिचार्ज भी कर सकते हैं। ये आपको रीडायरेक्ट क्रोम ब्राउज़र में करेगा, वहाँ पे अपना कार्ड नंबर वगैरह डाल के यहाँ से रिचार्ज कर सकते हैं। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि आप यहाँ से रिचार्ज नहीं करें, आप फंस जाएंगे। तो आप किसी UPI से या फ़ोनपे, अमेजोन पे, पेटीएम से आप अपना मेट्रो कार्ड रिचार्ज कर सकते हैं। अगर आपको मेट्रो कार्ड रिचार्ज करना नहीं आता तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि मेट्रो कार्ड को कैसे रिचार्ज किया जाता है। ये तो बात हुई मेट्रो के एप्लीकेशन के, और मेट्रो की सारी जानकारी आप इस एप्लीकेशन से ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं मेट्रो के टोकन या मेट्रो के कार्ड से कैसे सफ़र करते हैं। तो मेट्रो का कार्ड कुछ इस तरह से दिखता है और मेट्रो का टोकन भी कुछ इस तरह से दिखता है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। मेट्रो का टोकन और कार्ड में क्या फ़ायदा है, मैं दोनों को एक एक करके बताने वाला हूँ। सबसे पहला बात, अगर आप मेट्रो कार्ड से सफ़र करते हैं तो आपको सबसे पहला जो फ़ायदा होगा, आपको मेट्रो टोकन के लिए लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपको इसमें 15 से 20 मिनट आसानी से आप बचा सकते हैं। मेट्रो कार्ड का जो दूसरा फ़ायदा होता है वो फेयर में होता है, यानी कि मेट्रो कार्ड में आपका पर जर्नी पे 10% का फेयर कम लगता है, यानी कि आप अगर 50 रुपये का सफ़र करते हैं तो आपको टोकन से 5 रुपया कम देना होगा, यानी कि हर 100 रुपये में 10 रुपया कम लगेगा। तो इसलिए मेट्रो कार्ड यहाँ पे सही है। अगर आप डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे सफ़र करते हैं तो आपके पास मेट्रो कार्ड होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आपका इससे बहुत सारा टाइम और पैसे दोनों बच जाते हैं। मेट्रो कार्ड लेने के लिए आप किसी भी मेट्रो स्टेशन पे जाएंगे, वहाँ पे एक काउंटर बना होता है जो मेट्रो कार्ड प्रोवाइड कराता है। वहाँ पे जाने के बाद आप बोलेंगे मुझे मेट्रो कार्ड चाहिए, तो आपसे अभी के टाइम में 250 रुपया लिया जाएगा और आपको मेट्रो कार्ड दे दिया जाएगा, जिसका टॉप अप 200 रुपये हाथों हाथ मिल जाते हैं और 50 रुपया मेट्रो कार्ड चार्ज के रूप में कट जाता है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपकी कन्फ्यूज़न दूर हो गई होगी कि दिल्ली मेट्रो में कैसे सफ़र करते हैं। तो अगर कन्फ्यूज़न दूर हो गई हो और वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।